नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है साझा आगा अस्टडी कैंपस में। दोस्त मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आज लेके आया हुआ हूँ संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा। आज हम इसमें जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान का जरूरत पड़ता है। जैसे कि हमारे धर्म में है हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म में आपका गीता हो गया, मुस्लिम धर्म में आपका कुरान हो गया, यानी कि जो मुस्लिम धर्म का संस्थापना किए उन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या इसको चलाने के लिए कुरान लिखे। उसी तरह हमारा जो हिंदू धर्म था सनातन धर्म, उसमें हमारा भगवद गीता था, इसके कुछ नियम कानून कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। उसी हिसाब से जब हमारा देश आजाद हो रहा था उस समय हमारे पास समस्या आया कि अपना संविधान होना चाहिए। भाई सही बात है, तो संविधान अपना बनाने के लिए इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में। दोस्तों अगर संविधान न बना करके अगर उस समय हमारे जो नेतागण थे अगर भगवद गीता को ही रख देते कि चलिए यही मेरा संविधान होगा, तो आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों के साथ यह अन्याय हो जाता? या अगर गीता को न रख के कुरान को ही रख देते तो हिंदुओं के साथ अन्याय हो जाता? इसी तरह भारत जो है अनेक जाति धर्म पाए जाते हैं, यहाँ पे सबके साथ अन्याय हो जाता। इसके लिए हुआ कि नहीं अपना एक अलग संविधान होना चाहिए जिसमें हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई है सबके लिए बराबर, मतलब सबका बराबर महत्व हो, सबका सबके लिए उचित हो, ऐसा कोई मतलब कानून बने। तो भारत में जो संविधान निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 में आया था यह मिशन इंग्लैंड से। दोस्तों ये मिशन था क्या? दरअसल ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट था, जैसे कि आज हमारा है संसद भवन दिल्ली में, यहाँ के जो लोग मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। उसी तरह से ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट था वहां के जो मंत्री थे वही थे कैबिनेट, जब वो आए उन्हीं को कैबिनेट मिशन कहा गया। मंत्री थे तो कैबिनेट मंत्री, जब वो आए तो मिशन उनके साथ जोड़ दिया गया। तो ये कब हुआ था? तो ये जुलाई 1946 में आए थे। इसमें कौन कौन से लोग थे? इसमें थे आपके पैथिक लोरेंस, इनका नाम कहीं कहीं पैथिक लोरेंस भी देता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आदमी थे एबी अलेक्जेंडर, और एक तीसरे व्यक्ति थे स्टेफन क्रिस। दोस्त कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे हमारे पैथिक लोरेंस ही थे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें अध्यक्ष कौन थे, जाहिर सी बात अध्यक्ष पैथिक लोरेंस थे, आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि जब कैबिनेट मिशन आया भारत में तो उसमें भारत कितने भारतीय सदस्य थे? तो मेरे दोस्त आप लोग जैसे कि देख रहे हैं 1, 2, 3 बस इतने ही लोग आए हुए थे, इसमें आपको कोई भारतीय नहीं नजर आएगा क्योंकि कोई भारतीय था ही नहीं, सब ब्रिटेन के ही लोग थे तीनों, वहां के मंत्री थे जो कि आए हुए थे। अगर आपको फंसाने के लिए कोई चौथा ऑप्शन दे देता है आप लोग देख लीजिएगा, उसको छान लीजिएगा कॉमन सेंस पे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह जब कैबिनेट मिशन आ गया तो रहा बात संविधान सभा का कि भाई संविधान बनाने के लिए एक सभा होनी चाहिए, इसका निर्माण कैसे हो। उसमें यह तय किया गया कि भारत में लगभग उस समय आबादी जो था 40 करोड़ के आसपास थी। उसमें तय किया गया कि हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट मतलब निर्धारित किया गया। तो आपका टोटल सीट जो था 389, देखिए जैसा कि यहां लिखा गया है 389 इतना निर्धारित होगा। इसमें रहा बात कि 200
बानवे या छानवे, 92+4 यानी कि 96, इसमें जो थे आंग्ल भारतीय थे और 93 देशी रियासत, यानी कि 300 389 में आपका 296 जो थे ये निर्वाचित होकर के आने वाले सदस्य थे और ये 93 जो थे देशी रियासत से थे। देखिए निर्वाचित होने और देशी रियासत कहने का मतलब क्या है, ये जो निर्वाचित होना यानी कि उस समय जब कैबिनेट मिशन आया था भारत में अंग्रेजों की 11 प्रेसिडेंसी थी जिसमें से आपका एक हो गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, सिंध प्रेसिडेंसी, इसी तरह कर करके असम प्रेसिडेंसी, इसी तरह से 11 प्रेसिडेंसियां कुल भारत में थी अंग्रेजों का। और यहाँ जहाँ जो प्रेसिडेंसी था वहां पे अंग्रेजी लोग खुद अपना डायरेक्ट शासन करते थे और जो देशी रियासतें थी 93 जैसा कि यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा देशी रियासत, यहाँ क्या था कि यहाँ के जो राजा थे वही यहाँ का राज संभालते थे और बदले में अंग्रेजों के साथ संधि हो गया था कि भाई आप हमको कुछ टैक्स दे दीजिएगा इसके बदले और आप शासन कीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, तो वही थे अपना देशी रियासत। ऐसा में अंग्रेजों को चाहिए क्या था, वो तो मतलब किसी तरह से आए हुए थे यहाँ पे धन कमाने के लिए, किस तरह से लुक के किस तरह से लेकर के जाए यहाँ से धन, तो भाई जब हमको फ्री में ही मतलब आसानी से ही मिल जा रहा है जो राजा है यहाँ का वो दे ही रहा है, हमको क्या जरूरत है अपने कब्जा करने की जरूरत क्या है। इसीलिए ये जो देशी रियासत थी उस समय उसके लिए 93 सीट निर्धारित किया गया। दोस्तों एक और बात नोट कीजिएगा कि हमने कहा कि 292+4 यानी 296 इसमें आपका इलेक्शन होना था, लेकिन ये जो 93 था इसमें इलेक्शन नहीं होना था, ये बोल दिया गया कि जितने भी हमारे देशी रियासत है वो जिसको चाहे उसको अपने तरफ से भेज सकते हैं या खुद भी आ सकते हैं, इसमें संविधान सभा में अपना भाग ले सकते हैं। हुआ ये कि इसमें तो चुनाव होना नहीं था, यहाँ पे चुनाव होना था, ये 292 जो था, ये चार, ये चार क्या है अलग लिखा हुआ है, देखिएगा 292+4 लिखा गया है, इसमें कुछ राज है, आपको भी लगता होगा क्या ऐसे क्यों लिखा गया है, जब 296 था ये 296 लिखा जाता, लेकिन नहीं ये चार प्लस करके लिखा गया है, यानी कुछ खास है इसमें। इसमें खास यही है कि उस समय चार कमिश्नरी क्षेत्र थे, चार कमिश्नरी क्षेत्र थे, देखिए याद करने के लिए बता दे रहे हैं, आपको याद रहेगा ए बी सी डी। देखिए कमिश्नरी क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ, आपका ए फिर हो जाएगा अजमेर, अजमेर जो अभी राजस्थान में पड़ता है, उस समय यह कमिश्नरी क्षेत्र था। B4 बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे बलूचिस्तान, C4 आपका हो जाएगा कर्नाटक का कुर्ग जिला, कुर्ग, और D4 आपका हो जाएगा दिल्ली जो कि आज भी आज देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, यही चार था आपका कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र मतलब ये समझिए एक तरह से जैसे हमारा आज के डेट में केंद्र शासित प्रदेश है उसी तरह से उस समय कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था, बस इतना ही समझना, ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछते रहते हैं पूछता है कितना कमिश्नरी क्षेत्र था, तो भाई चार था, कौन कौन सा था अगर पूछ दिया आप याद रखिएगा स्क्रिप्ट पे ए बी सी और डी, ए फॉर अफगानिस्तान, बी फॉर बलूचिस्तान और सी फॉर कुर्ग, डी फॉर दिल्ली। चलिए दोस्तों अब रही बात सीट तो मिल गया ठीक है, कितना था तो भाई 389 था, लेकिन अब इस पे इलेक्शन होगा तो कैसे होगा, तो उस समय जो था अभी जो है कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो होता है मुखिया का इलेक्शन हुआ है प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का, इसमें हम लोग वोट करते हैं गांव के या भारत के जितने भी जनता है सब जो अपना 18 वर्ष से
एबव है, यानी 18 वर्ष पार कर चुके हैं अपना एज, वो वोट कर देते हैं। लेकिन जब ये संविधान सभा बन रहा था उस समय जो ये 296 सदस्य का जो संख्या था, इसमें वोट करने के लिए आम आदमी को मतलब नहीं लिया गया था। इसमें वोट कौन करता था भाई? इसमें वोट करने के लिए आपका विधान सभा होता था, विधानसभा, विधानमंडल नहीं विधानसभा, याद रखिएगा। जैसे कि आज के में हमारे राष्ट्रपति जी चुने जाते हैं या राज्यसभा के सदस्य लोग चुने जाते हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से ये भी चुनाव हुआ था संविधान सभा का। इसका नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसी इसी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही आपका विधान परिषद के भी सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य चुने जाते हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव इसी के तहत होता है, ये याद रखिएगा। ये कई बार मतलब अभी आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसे इसलिए ये जरूरी है आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये जरूरी है। दूसरी बात, जब इलेक्शन जब हुआ 296 पर 296, तो इसमें से 208 सीट जो है आपका कांग्रेस ने लिया था, 208 इसमें कांग्रेस को मतलब मिला था, इतना कांग्रेस को। कांग्रेस जो कि हमारा आज का कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में हुआ था, ये हिस्ट्री का पाठ है, ऐसे ही बता दिया, यहाँ पर आया तो इसका जिक्र आया तो बोल दिया एक बार कि आप लोग कभी रिविजन हो जाएगा। 1885 में हुआ था, जिसका ए ओ ह्यूम ने स्थापना किया था बम्बई में। और दूसरा 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को मिला था, मुस्लिम लीग। आपका 73 सीट जो है मुस्लिम लीग ने लाया था, 73। और इसके बाद 15 से सीट और था, इस 15 में 8 सीट जो था निर्दलीय लोग लाए हुए थे, जो किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखते थे। मतलब आज भी देखते हैं चुनाव होता है तो कुछ लोग निर्दलीय जीत जाते हैं, तो उसी तरीके से उस समय भी जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े हुए जीते हुए थे, उसमें से 8 लोग थे निर्दलीय, निर्दल। और इसी में से जो 7 लोग थे वो छोटी छोटी पार्टियों से आए हुए थे, जैसे कि आज के में हमारा छोटी छोटी पार्टियों में कह रहे हैं तो बिहार में आपका जदयू है, राजद है, महाराष्ट्र में आपका शिवसेना है, बसपा है, बगल में उत्तर प्रदेश में, तब समझ सकते हैं उस तरीके से। उस समय भी छोटी छोटी पार्टियां थी, उसमें से 7 अन्य दल, अन्य दल, या कहीं कहीं की पूरे को मिला करके ही दे देता है अन्य दल में, आप समझ जाइएगा इसी को बोल रहा है। दूसरी बात, संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या जो थी वो भी 15 ही थी, महिला भी 15 ही थी, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेटस है उसको भी याद रखिएगा, महिला भी 15 ही थी। महिला पूछ जाता है क्वेश्चन में संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। देखिए अब संविधान इसका इलेक्शन चुनाव हम लोग करा दिए, चुनाव हो गया, अब इसका बैठक होगा। बैठक हुआ प्रथम आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, कहाँ हुआ था भाई? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय दिल्ली में, काउंसिल चैम्बर। परेशानी हो जाएगी, पूरा याद रखिएगा, अच्छी बात है। नहीं होता है जो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए सिर्फ दिल्ली ही याद रखें, कोई बात नहीं है, ठीक है, उस तरह से काम हो जाएगा, आगे फिर रिविजन होगा तो।
जब प्रथम बार जब इसका बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसमें आपका मुस्लिम लीग जो था, जो 73 सीट लाई हुई थी, उसने देखा कि भाई मेरा तो कम ही सीट आया है, अगर हम इसमें भाग लेते हैं तो हिंदू लोग अधिक सीट लाए हुए हैं। मोहम्मद अली जीना जो थे वो इस टाइप से सोच रहे थे, उनका विचारधारा इस टाइप से था, सोच रहे थे कि अगर हमारा 73 सीट है और कांग्रेस का इतना ज्यादा सीट आया हुआ है, अगर हम इसमें भाग लेते हैं तो कांग्रेस वाले अपने मनमानी करेंगे, हम विपक्ष के भूमिका में रह जाएंगे। ये सब देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इसका बहिष्कार किया, 9 दिसंबर 1946 को बैठक में संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग कर दी और इसमें भाग नहीं लिया। फिर इसके बाद जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ, तो कोई भी बैठक या सभा को चलाने के लिए एक गार्जियन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आज भी हमारा संसद जो चलता है उसमें भी एक अध्यक्ष महोदय होते हैं, जैसे कि अभी हैं फिलहाल में ओम बिरला जी, राजस्थान से चुनके आए हुए हैं कोटा से। उसी तरह से उसमें भी जो संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का बैठक हुआ, उसमें भी एक अध्यक्ष की हमें जरूरत थी। तो हुआ कि भाई जल्दी जल्दी में कैसे मतलब अभी चुनाव किया जाए, तो उसको देखते हुए वो लोग वरिष्ठ जो वहां पे मौजूद थे, सबसे जो वरिष्ठ आदमी थे, व्यक्ति थे, उन्हीं को अध्यक्ष के तौर पर मान लिया गया। लेकिन उनको अध्यक्ष के तौर पर माना गया तो हमेशा के लिए नहीं रहे, अस्थायी तौर पर माना गया था। इनका नाम था सचिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से ही चुन करके गए हुए थे, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी नहीं रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में, अक्सर पूछते रहता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे भाई। दूसरी क्वेश्चन ये बनती है यहाँ पे, जब संविधान सभा का बैठक हुआ था पहली बार, तो उस समय सबसे पहली बार संबोधन किसने किया था, सभा को संबोधित किसने किया था? संबोधित जो है सबसे पहले भाषण मतलब कई एक तरह से दिए थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, इन्होंने ही मतलब पहली बार संबोधन किया था। इसके बाद जो है 9 दिसंबर के बाद, इसके 2 दिन बाद, यानी कि 9 के बाद 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946, इस दिन दूसरा बैठक हुआ। इस दिन जो दूसरा बैठक हुआ, तो इसमें रही बात कि एक अध्यक्ष, क्योंकि ये सचिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थाई थे, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया इसमें 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें आपका राजेंद्र बाबू को चुन लिया गया, जो कि ये भी हमारे बिहार से आप जानते करते हैं, हमारे प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार लगातार रहे हैं, बहुत ही विद्वान आदमी थे हमारे। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इनको सचिदानंद सिन्हा जी को। अगर पूछ देगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इनको राजेंद्र बाबू को। या पूछ देगा 9 दिसंबर को जब संविधान सभा का बैठक हुआ था, उस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। या आप पूछ देगा कि 11 दिसंबर को किसको बनाया गया था, तो राजेंद्र बाबू को बनाया गया था, ये याद रखिएगा। अब देखिए 9 के बाद 2 दिन बाद 11, अब 11 के बाद फिर 13 दिसंबर को बैठक हुआ। मिटा लेते हैं पूरा, जो है परेशान है। नौ दिसंबर कहीं कहीं बीच में वीडियो रोक के आप लोग इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आसानी रहेगा पढ़ते समय। 9 के बाद आपका 11 दिसंबर 1946, 11 के बाद 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 तीसरा बैठक। तीसरा बैठक में हुआ ये कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया, या प्रस्तावना जो कि आज बोला जाता है, वो 13 दिसंबर को ही पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्ताव, जो कि आज भी हमारे संविधान में पढ़ने को मिलता है, आप लोग देखते हैं प्रस्ताव कहिए इसको, उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने किए थे,
लेकिन दोस्तों ये 13 दिसंबर को तो मतलब पेश किए थे 1946 में, लेकिन ये जो है आपका पास किया गया 22 जनवरी, 22 जनवरी 1947 को, 1947 ये उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था, इसको पास किया गया था इस दिन। इसको पास करने के साथ ही कई छोटी छोटी समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें आपका परमाणु समिति, संघ समिति और उपचारों समिति आए। किस दिन हम क्लास लेकर आएंगे उसका पूरा समिति बता देंगे। जब हाँ 1947 को जैसे पढ़ता दोस्तों, एक बात यह है कि सबसे पहले आखिर भारत में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत में संविधान सभा या भारत का संविधान एक होना चाहिए, इसका किसने मतलब मांग किया था। सबसे पहले भारत का संविधान का मांग किसने किया था, क्वेश्चन आता है। आपका आंसर होगा इमिन राय, इमिन राय। देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो था हमारा एमएम राय नहीं सबसे पहले मांग किया था प्रत्यक्ष रूप से, इसके पहले भी आपके बाल गंगाधर तिलक जो थे अपना एक उनका पत्रिका था स्वराज भी, उसमें मांग किए थे कि संतान भाई हमारा होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था 1895 में बाल गंगाधर तिलक। बाल नहीं देते हैं वो समझ ही जाएगा, लाल बाल बाल तो समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मांग किया था। दूसरी बात कि महात्मा गांधी गांधी जो थे स्वदेशी आंदोलन जो चल रहा था 1922 में, उसी के करीब में ये भी मतलब मांग किए थे कि हमारा भारत का जो संविधान होगा भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। इच्छा अनुसार कहने का मतलब था कहीं ना कहीं वो भी मतलब चाहते थे कि भारत का संविधान हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहे, अप्रत्यक्ष रूप से कहे थे। इसलिए जब क्वेश्चन में आएगा प्रत्यक्ष रूप से कहेगा तो इसको आंसर करना है, या बोल देगा सबसे पहले किसने किया था अगर बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में रहे इनको करना है, अगर दोनों ऑप्शन में रहे और प्रत्यक्ष रूप कहे इनको करना है, दोनों ऑप्शन में रहे पूछेगा सबसे पहले किसने किया था, इनको आंसर टिक देना है, आंसर सही हो जाएगा। दूसरी बात कि महात्मा गांधी, हाँ पार्टी के तौर पर पूछेगा कि सबसे पहले किस पार्टी ने किया था मांग स्वराज मतलब संविधान का, तो ये आपका था स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका स्वराज पार्टी, इसका स्थापना जो है सी आर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आपके जब चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी को, तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को वापस ले लिया था। इससे नाराज होकर के हमारे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी का स्थापना किया, स्वराज पार्टी 1923 में। इस पार्टी ने ही 1924 में सबसे पहले संविधान का मांग किया था, 1924 याद रखिएगा ये क्या कहा, या मोतीलाल नेहरू भी कह सकते हैं यहाँ पे कि मोतीलाल नेहरू ने मांग किया, क्वेश्चन ऐसे भी आता है तो हमें मोतीलाल नेहरू टिक करना पड़ता है, स्वराज पार्टी न देके डायरेक्ट मोतीलाल नेहरू ऑप्शन दे देगा, आप टिक कर दीजिएगा। दोस्तों बात यह रही कि सबसे पहले आखिर संविधान किसका था, तो सर्वप्रथम संविधान आप जानते करते हैं इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं अमेरिका का संविधान था सबसे पहले बना। दूसरी बात कि संविधान का जननी किस देश को कहा जाता है, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ देगा सबसे पहला संविधान किसका है या सबसे पुराना संविधान किसका है या सबसे पहले किसका संविधान बना, तो आपका अमेरिका आंसर होगा। लेकिन अब अगर ये पूछ दे कि संविधान का जननी किस देश को कहा जाता है, तो आपका ब्रिटेन होगा। ठीक है दोस्तों, तब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें और भी कुछ जानकारी देना है या और भी कुछ डाटा है जो अभी शेयर नहीं किया हम आपके साथ, और इसके पार्ट 2 में शेयर करेंगे, क्योंकि अगर इसमें करते हैं तो और लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हम अगले वीडियो में उसको डालेंगे। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको मैसेज पहुंच जाए।
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर, ताकि मेरा मनोबल मनोबल बना रहेगा तो फिर हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।